अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जो कि साइंटिफिकली भी उनको हम प्रूव नहीं कर सकते, वो साइंस को भी कुछ कवानीन को रिजेक्ट करती है जी। नंबर वन है सेलिंग स्टोन्स। जी व्यूअर्स, आपने कभी सुना है कि पत्थर खुद ब खुद अपनी जगह से खिसक के किसी और जगह पे चले जाए, वो भी बगैर किसी बैरूनी फोर्स के? जैसे न्यूटन ने कहा था कि जब तक हम अगर किसी चीज को हिलाएंगे नहीं, किसी चीज को टच नहीं करेंगे, उसे बैरूनी फोर्स नहीं देंगे, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। लेकिन आज मजे की बात आप लोगों को बताती हूँ कि कैलिफोर्निया और नवादा के बीचों बीच एक डेथ वैली में हमें ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं जो कि सुबह के टाइम अगर किसी और जगह पे थे तो रात के टाइम में आप देखेंगे कि उन्होंने खिसक कर अपनी जगह चेंज कर ली है। ये पत्थर रातों रात खिसक के अपनी जगह जब चेंज करते हैं तो उस रास्ते के भी निशान बनते हैं कि ये यहाँ मौजूद थे और फिर खिसक के अपनी जगह पे चेंज कर लिया इन्होंने। ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल किसी पानी के ऊपर, जैसे कोई कश्ती तैरती है, तो ये भी ऐसे लगता है कि जैसे ये मिट्टी इनके लिए बिल्कुल पानी का जो है वो काम कर रही है और ये सिरक सिरक के अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले से ही इस बात पे बहुत रिसर्च की गई है और कुछ लोगों का कहना था कि शायद ऐसा रातों रात एलियंस करके जाते हैं, और भी बहुत सी थियरीज इसके बारे में पेश की गई। लेकिन सबसे जो काबिले फहम बात है वो यहाँ पे इस थियरी की है जो मैग्नेटिज्म के, जिसको हमने काउंट की है। इसमें क्या कहते हैं, उनका कहना है साइंसदानों का कि जमीन के अपने मैग्नेटिज्म की वजह से ये जमीन जो है वो पत्थर को इसकी जगह चेंज करने पे मजबूर कर देती है। 2014 में इस मिस्ट्री को प्रैक्टिकली सॉल्व कर दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा वहां पे मौजूद आइस के मेल्ट के होने की वजह से होता है। जैसे ही आइस शीट मेल्ट होती है या क्रैक होती है तो वो अपने साथ इन स्टोन्स को भी सेल्क आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है और जब वाटर वहाँ से वेपोरेट हो जाता है, हमें जब ड्राई कंडीशन नजर आती है सोल पे, तो हम कहते हैं कि शायद ये पत्थर खुद ब खुद अपनी जगह चेंज कर चुका है। नंबर दो, चॉकलेट हिल्स। जी व्यूअर्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद इन पहाड़ियों पर चॉकलेट्स उगाई जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इन चॉकलेट हिल एरिया की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि यहाँ पे नजर आने वाले ये सारी पहाड़ियाँ इनके साइज बराबर हैं और ये सारे इक्वली डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर हैं। बात देखने में ये सोच आती है कि ऐसा कैसे हुआ कि ये सारी पहाड़ियाँ यहाँ पे आ गईं। इन सेम नजर आने वाली पहाड़ियों पे सर्दियों के मौसम में ग्रीन कलर के बहुत से पौधे हो जाते हैं जो कि शदीद गर्मी में मुरझा जाने के बाद ब्राउनिश हो जाते हैं और इन पहाड़ियों के ऊपर फैल जाते हैं। होता क्या है कि जब इनको दूर से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ियां सारी चॉकलेट से कवर की हुई हैं, इसलिए इनको चॉकलेट हिल्स का नेम दिया गया है। इन पहाड़ियों के बारे में मजे मजे की कहानी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद पहले के लोग बहुत ज्यादा बड़े होते थे और उनके ये पहाड़ छोटे छोटे उनके घर हुआ करते थे जहाँ वो रहते थे, और बाद में जब वो खत्म हो गए तो ये पहाड़ जो है वो ऐसे के ऐसे पहाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर गए। नंबर थ्री, लेक हिलियर। इसको पिंक लेक भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ये ऐसे ही पिंक लेक है। कुछ लोगों का कहना था कि शायद इस पानी पे पानी रोशनी की किसी रिफ्लेक्शन की वजह से पिंक कलर शो हो रहा है, तो इसलिए इस चीज को चेक करने के लिए इस नदी के करीब भी लोग गए हैं, और जब वहां पे पहुंचे हैं तो तब भी उन्हें पता चला कि इस लेक का पानी पिंक ही है। यहाँ तक कि इस लेक के पानी को बॉटल्स में भी डाल के चेक किया गया और तब भी इसका कलर पिंक ही आया है। इस चीज को चेक करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास नदी का कलर पिंक है, इस पानी को कुछ अरसे के लिए ट्यूब्स में भी रख के देखा गया है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि कलर फिर भी पिंक रहा है। इस चीज को चेक करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इस लेक का कलर पिंक है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, लेकिन अभी भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी। रिसर्चर्स का कहना है कि शायद इस पानी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से इसका कलर पिंक नजर आ रहा है। नंबर फोर, सिंकिंग सैंड ड्यून्स। अगर हम सैंड ड्यून्स की बात करें तो जहाँ पे भी हमें बड़े बड़े सैंड ड्यून्स नजर आ रहे हैं, जहाँ बहुत ज्यादा रेत है,
और हवा के लहराने की वजह से, हवा के वहाँ पे चलने की वजह से वहाँ पे अजीब सा म्यूजिक सुनने में महसूस होता है। अगर हम कैलिफोर्निया से अफ्रीका और चाइना से कतार तक बात करें तो इस रास्ते में तकरीबन 35 से ज़्यादा डिजर्ट्स हैं और इन सैंड डिजर्ट्स में सैंड्स के ड्यून्स में हमें मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये आवाज़ें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते में भून बना रही हो। साइंसदानों ने बहुत सी रिसर्च की है और उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि सुनने वाले आवाज़ डिपेंड करती है कि जो हमारे पास रेत है उसका साइज क्या है और वहाँ पे चलने वाली हवाओं के रुख क्या है और हवा की स्पीड क्या है, लेकिन वो एग्जैक्ट मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए कि ऐसा क्या फिनोमेना है जिसके जरिए हवा के थ्रू जब ये रेत उड़ती है तो एक म्यूजिक क्रिएट होता है। नेक्स्ट नंबर 5, मैग्नेटिक हिल्स। जी व्यूअर्स, आप सब ने ये बात नोट की होगी कि जब भी हम डहलवान पर अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं तो जैसे ही हम डहलवान से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारी गाड़ी खुद बहुत स्पीड पकड़ लेती है। और इसी तरह अगर हम रिवर्स फिनोमेने की बात करें तो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए हमें ज्यादा स्पीड लगानी पड़ती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऐसे पहाड़ी सिलसिले की जहाँ पे गाड़ी को ऊपर पहाड़ी सिलसिले पे चलाने के लिए, जी डहलवान पे चढ़ाने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगानी पड़ती बल्कि गाड़ियाँ खुद ब खुद डहलवान की तरफ ऊपर की तरफ खुद चढ़ने लगती है। ऐसी पहाड़ी इंडिया में ही मौजूद है और सबसे मिस्टेरिकल पॉइंट तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी का इंजन भी बंद है तो भी गाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से खुद ब खुद इस रोड पर चलती जाती है। इस रास्ते को और भी बहुत से नाम दिए गए जैसे मिस्ट्री हिल और ग्रेविटी हिल का भी नाम दिया गया है, लेकिन ये बस समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे ग्रेविटी के रूल को ये माउंटेन क्यों तोड़ रहा है। यहाँ इस रोड के बारे में आपको एक मजे की इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि यहाँ के रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जो बंदा दिल का अच्छा होगा, सच्चा होगा, वो इस रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा और जो दिल का खोटा होगा वो इस रास्ते पे बस चलता जाएगा लेकिन कहीं पहुँच नहीं पाएगा। अगर हम साइंटिफिकली इस चीज के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं, साइंसदानों ने ये बात प्रूव की है कि यहाँ पे इस पहाड़ी में कुछ ऐसा मैग्नेटिक फोर्स है जो गाड़ियों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ये उसकी तरफ खींची जाती हैं। नंबर 6, ग्रीन फ्लैश। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन फ्लैश है क्या। आप देखेंगे कि सूरज ग्रूब होते वक्त या सूरज तलूब होते वक्त आप पानी के करीब अगर हैं तो एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए आपको नजर आएगा कि वहां पे ग्रीन फ्लैश है। वो ग्रीन लाइट आपको कुछ टाइम के लिए नजर आएगी जो सूरज से बन रही होगी। ये एक ऐसा दिलकश नजारा है कि जिसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से समंदरों के करीब दूरबीन लगा के वक्त का इंतजार करते हैं जब ये ऐसा नजारा उनको नजर आए। कहा यह जाता है कि जब कोई रूह अपनी दुनिया से किसी और दुनिया में जाती है तो एक ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है और वही लाइट है जो हमें वहाँ पे नजर आती है। ये सिर्फ ऐसी कहानी है, मिस्टेरिकल स्टोरीज है, बाकी इसमें कोई भी सच नहीं है। नंबर 7, लेक बेकल। अगर हम लेक बेकल की बात करें तो इसे दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक कंसीडर किया जाता है और ये लेक साइबेरिया में मौजूद है। ये फ्रोजन लेक है, यहाँ पे हाइकिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इस लेक का वाटर फ्रेश वाटर है और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 25 से 30 मिलियन ईयर्स ओल्ड लेक है। इस लेक को मोस्ट ओल्डेस्ट लेक भी कंसिडर किया जाता है। अगर हम इस लेक के टेम्परेचर की बात करें तो विंटर में मिनिमम टेम्परेचर -2 फ़ारेनहाइट और अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर 57 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस लेक का पानी फ्रीज ही रहता है और उस पर हाइकिंग की जाती है। फिर भी मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इतनी फ्रोजन लेक में भी हमें बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की फ्लोरा और फाना देखने को मिलते हैं। मोर देन 2000 स्पीशीज जो है इसके अंदर फ्लोरा और फाना की मौजूद है। बेकल सील सबसे फेमस है यहाँ पे। जी व्यूअर्स, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।